जिस समय श्री प्रिया उनके साथ में ऐसे वार्तालाप करते हुए जो पुष्प चयन कर रहे हैं, उन पुष्प चयन को अपने हाथ में लिए गए पुष्पों को जब श्री किशोरी जी की अंचल में डाल रहे हैं, तो जब श्री श्याम सुंदर पुष्पांजलि श्री प्रिया जी की अंजलि में अंचल में डाल रहे हैं, उस समय उनके हाथ में लगी हुई जो बंशी है वो बंशी फूल के साथ में श्री प्रिया के जो अंचल में गिरती है, प्रिया पट्ट उसको अचक से जल्दी से संभाल करके उछाल श्याम सुंदर की आंख बचा करके उस बंशी को लेकर के पीछे हाथ करके पीछे खड़ी हुई श्री ललता जी को प्रदान कर देती हैं। ललता जी उस बंशी को उस समय श्री रूपमंजरी जी को प्रदान कर देती हैं और श्री रूपमंजरी जी अपने अंचल अपनी जो चोली उसमें छिपा करके अपने अंचल में छिपा करके उस बंशी को रख लेती हैं। तो बंशी चोरी की जो लीला है वो बंशी चोरी की लीला उस समय मध्यान्ह में होती हुई विराजमान होगी। ये सब तेरे हृदय में हे मित्र, यही सारी भावे भाव तेरे हृदय में विराजमान। और श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी से कहें कि हमारी बंशी कहाँ है, श्री किशोरी जी कहें हमारे पास में तो बंशी नहीं है। श्री ललता जी मुस्कुरा रही हैं, ललता जी से कहें श्याम सुंदर हमारी बंशी हमको दे दो। श्री ललता जी हंसी करती हुई कहें बोले वृंदावन में ईंधन की कोई कमी थोड़ी हो गई है कि रसोई करने के लिए हमें तुम्हारी बंशी जलाने की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास में ईंधन बहुत है। ये डेढ़ हाथ की बंशी इसको लेकर के चुरा करके हम क्या करेंगे, वृंदावन में कोई ईंधन की कमी थोड़ी है, ऐसे हंसी कर रही हैं श्री। तो कभी बंशी चोरी के बहाने, कभी पुष्प चयन के बहाने, कभी श्री श्याम सुंदर उस समय श्री राधा कुंड के चबूतरे के ऊपर आकर के बैठ जाएं, श्री किशोरी जी से कोई सखी आकर के कहे बोले अरे सखी सुना है श्याम सुंदर राधा कुंड के चबूतरे के ऊपर विराजमान है, सखी हमको सूर्य पूजन करने के लिए स्नान करना है और वहां पर वो चंचल श्रोमणी बैठा है, अरे जब यहाँ कुसुम सरोवर तक आ गई हैं तो मानसी गंगा जितनी दूर राधा कुंड उतनी दूर ही मानसी गंगा, तो चल वापस लौट करके चले मानसी गंगा में स्नान करके फिर चली जाएंगे छोटे भरना सूर्य कुंड स्नान करने के लिए। श्री ललता जी के हैं बोले वाह हम क्यों लौट करके जाएं उल्टे रास्ता, हम तो आगे जाएंगे, हम तो राधा कुंड में स्नान करेंगे, राधा कुंड हमारा है, वहां पर श्याम सुंदर बैठे हैं। तो क्या हुआ सखी चिंता मत कर, मैं हूं ना श्याम सुंदर, तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकेंगे। ऐसे जानबूझ करके श्री प्रिया तो कह रही हैं कि चल हम लौट करके मानसी गंगा में स्नान कर लेंगे, गंगा जी में स्नान करके फिर चली जाएंगे, स्नान तो करना आवश्यक है। बोले ना वहां स्नान करने की जरूरत नहीं है, हम जिस रास्ते से जा रही हैं उसी रास्ते से जाकर के आगे श्री राधा कुंड में स्नान करके हम आगे जाएंगे। ऐसे कहीं ना कहीं किसी बहाने से तुम भैया वहां पर विराजमान होगे। तो मधुमंगल कह रहे हैं कि भैया तुम जो विचार कर रहे हो नादत्ते तत्कर ग्राहम वे श्री राधिका, वे वो जो राधिका नहीं हंसी, यहाँ पे हंसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वे जो हंसी है वे तुमको अपना करक ग्राह माने अपना हाथ नहीं सौंपेंगे, त्वच तत्रात साग्रह, और तुम श्री राधिका को प्राप्त करने के लिए अत्यंत अत्यंत आग्रह रखते हो। तो बारहवें श्लोक को दोबारा देखें कि विभिन्न शस्त्रत्वं खेलार्थम, बोले तुम क्रीड़ा करने के लिए श्री राधिका को प्राप्त करना चाहते हो, परंतु सा स्वयूथेन रक्षता पालिता, वे श्री राधिका अपने यूथ अपनी सखियों के द्वारा सदा पालित होकर के विराजमान है, तो नादत्ते तत्कर ग्रहण, वे तुमको अपने श्री हस्त का दान नहीं करेंगी,
वे तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। त्वं च तत्रात् साग्रह, तुम श्री राधिका को उन हंसी को प्राप्त करने के लिए बड़े भारी आग्रह रखोगे और विविधम मिश्र मादस से विविध प्रकार से तुम श्री राधिका को ग्रहण करना चाहोगे। तत्र सान प्रमाद्यति, परंतु श्री राधिका अत्यंत अत्यंत सावधान है, वो हंसी अत्यंत सावधान है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। इत्येवं उज्जल ज्योति विदा ज्ञापे मया सखे, ये सारी बातें हे सखा मैं अपने ज्योतिष के प्रभाव से पहले ही जान गया हूं और मैंने तुम्हारे सामने उन सबको बता दिया है। इत्येवं इस प्रकार उज्जवल ज्योति विदा, उज्जवल ज्योति को जानते हुए मैंने जान लिया। अब मधुमंगल की बोली विश्लेष से युक्त, उज्जवल ज्योति का तात्पर्य है उज्जवल माने उज्जवल रस, उस उज्जवल रस के तत्व को जानने वाला मैं प्रिय नर्म सखा हूं, मैं अपने प्रिय नर्म सखा बने से इस बात को अच्छी तरह से जान गया हूं कि तुम ऐसा प्राप्त करना चाहते हो। मधुमंगल है प्रिय नर्म सखा जो रहस्यज्ञ होकर के भी विराजमान है, किसी वस्तु के रहस्य को भी जानते हैं, श्रृंगार रस में भी जिनका प्रवेश है। श्याम सुंदर के सखा चार प्रकार के, एक है सखा, दूसरे हैं प्रिय सखा, तीसरे हैं सुलत सखा, चौथे हैं प्रिय नर्म सखा। सखा कौन बोल, बिल्कुल समवयस्क होकर के जो विराजमान और जिनका केवल शुद्ध सक्ष रस में जिनका प्रवेश है, सक्ष रस के अतिरिक्त तो और किसी रस में प्रवेश नहीं, वे हैं सखा। जो श्याम सुंदर के कंधे पे चढ़े, कंधा पर चढ़ाए, जहां पर आनंद पूर्वक समान भावना धारण करते हुए जो क्रिया करें वे हैं सखा। जैसे श्री दामा कंधे पे चढ़े हैं, कंधा पर चढ़ा रहे हैं। दूसरे प्रकार के जो सखा हैं वे सखा हैं प्रिय सखा। प्रिय सखा वो जो दास गंधी होकर के विराजमान अर्थात श्याम सुंदर से अवस्था में थोड़े छोटे हैं और जिनकी सक्षिप्त रीति में दासी का भाव विराजमान है, ये जो सखा हैं इनको श्याम सुंदर आदेश दें। ये श्याम सुंदर के लिए पहले से ही पुष्प शैया बना करके रखे हैं, बोले कन्हैया आ तू लेट जा, भैया मैं तेरे हाथ पांव मसल दू, हाथ पांव दबाए दो, ये सेवा करें, कभी तकिया लाए, कभी श्याम सुंदर को प्यास लगे दौड़ करके पानी लेकर के आए, कभी भूख लगे पेड़ के ऊपर चढ़ करके फल तोड़ करके लाए, फल अमनिया करके श्याम सुंदर को भोजन कराए। तो जिनमें दासगंधी सक्षत प्रीति विराजमान है वे हो गए प्रिय सखा। तीसरे हैं स्रोत सखा। स्रोत सखा वे जो श्याम सुंदर से अवस्था में थोड़े बड़े, जैसे बलभद्र आदि, मणिभद्र बलभद्र, ये श्याम सुंदर से अवस्था में थोड़े बड़े हैं और इनकी श्याम सुंदर के प्रति वात्सल्यमयी प्रीति है, वात्सल्यमय सख्य है, तो ये हैं स्रोत सखा। चौथे जो सखा हैं वे हैं प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखा वे जो के रहस्य को भी जानने वाले हैं और श्री कृष्ण के मिलन में जो सहायक होकर के विराजमान हैं, वे हैं प्रिय नर्म सखा। जैसे सुवल मधमंगल ये अभिसार कराने में भी प्रिया जी कहाँ विराजमान हैं, प्रिया के संदेश को लाकर के श्याम सुंदर को देना, श्याम सुंदर के संकेत को श्री प्रिया जी को प्रदान करना और युगल को मिलन प्राप्त कराना, वे हैं प्रिय नर्म सखा। तो सखा चार प्रकार के हुए, एक शुद्ध प्रीति वाले उनका नाम हुआ सखा, एक हुए वात्सल्य गंधी प्रीति वाले अवस्था में कुछ बड़े जैसे बलभद्र सुभद्र मणिभद्र जिनकी कृष्ण के प्रति वात्सल्यमय प्रीति है। तीसरे प्रकार के सखा हुए प्रिय सखा जो कृष्ण से थोड़े छोटे हैं और जिनकी दास्य गंधी प्रीति विराजमान है, वे प्रिय सखा। और चौथे हुए प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखा वो जो के रहस्य को भी जानने वाले और मधमंगल प्रिय नर्म सखा है, इसलिए बातचीत करते करते ही श्री श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया के गुणों का गायन करके और श्री
प्रिया श्याम सुंदर के हृदय में जो कोमलतम भाव है उस कोमलतम भाव को ही उद्दीप्त करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं और कह रहे हैं उस लीला का निकुंज लीला का भी गायन करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि विविधम मिशमादत से तुम विविध प्रकार से उस हंसनी को पकड़ने का प्रयत्न करोगे परंतु वो प्रमाद नहीं करेगी एवं उज्ज्वल ज्योति विदा इस प्रकार मैं उज्ज्वल ज्योति शास्त्र को जानने वाला हूं। उज्ज्वल ज्योति के दो अर्थ हुए। उज्ज्वल ज्योति का तात्पर्य है ज्योतिष शास्त्र, दृश्य भूगोल, दृश्य गणित। तो दृश्य गणित का भी मैं जानने वाला हूं, दृश्य जो ज्योतिष शास्त्र है दृश्य ज्योतिष उसको भी जानने वाला हूं, दृश्य ज्योतिष के आधार पर फलित ज्योतिष को भी बताने वाला हूं। यह तो हुआ एक अर्थ ज्योतिष शास्त्र, और दूसरा अर्थ हुआ उज्ज्वल ज्योति माने श्रृंगार रस के तत्व को भी मैं जानने वाला हूं। तो उज्ज्वल ज्योति बिना उज्ज्वल ज्योतिष को मैं जानने वाला हूं। ज्ञान माया सखे हे मेरे सखा, आज्ञा भी माया सखे मैं, मेरी ये तुम्हारे प्रति आज्ञा भी है कि तुम उस हंसनी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। जैसे ज्योतिषी आदेश प्रदान करता है कैसा कर लो, उपाय बताता है, ऐसे आज्ञा भी माया सखे हे सखे ये मेरी तुमको आज्ञा भी है, मेरे द्वारा दी गई ये आज्ञा भी, माया आज्ञा भी ये मेरे द्वारा दी गई तुमको आज्ञा भी है। ऐसे सांधान्य के द्वारा तीन श्लोकों के द्वारा मधुमंगल में जब श्री श्याम सुंदर के हृदय की कोमल बात को प्रकट की, श्री कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण प्राह महाभिज्ञ ज्ञातम एतत् मनोगतम। वाह भाई वाह, भैया मधुमंगल है तो भैया तू पूरे ज्योतिष से तैने मेरे मन की बात को भी जान लिया, ज्ञातम एव मनोगतम तैने मेरे मन की बात को जान लिया। अब जरा से ये एक बात और बता दे कि लभ्यते वा न वा हंसी, वो हंसी मिलेगी कि नहीं ये और बता दे। ज्योतिषी है तो साल देरी तक अभी गण्यताम, वो मुझे आज मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी तो जरा गिनती करके बता दे। मधुमंगल क्षण से तूष्णीन भूया, एक क्षण के लिए चुप हुए और एक क्षण के लिए चुप होकर के फिर आंख बंद करके जरा सा ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करके बिर बैठा करके और फिर मधुमंगल बोले आक्षत ईक्षतम तत्र कारणम, बोले देखो मैंने कारण जान लिया राधा कैसे प्राप्त होगी इस कारण को भी मैं जान गया हूं। बोले क्या है भैया कारण, जरा जल्दी से बता दे राधा कैसे प्राप्त होगी। बोले शाखां काचित विवरणाग्राम, बी शब्द जिसके आगे लगा हुआ है ऐसी कोई शाखा है, बी शब्द युक्त शाखा माने विशाखा, तो विशाखा जो है उन विशाखा को पकड़ ले, विशाखा की कृपा मिल जाएगी तो राधिका तुझे मिल जाएंगी, तो और यदि विशाखा की कृपा नहीं मिली तो राधा नहीं मिलने वाली है, श्री विशाखा जी उनको अनुकूल कर लेना। तो शाखां काचित विवर्णाग्राम, बी वर्ण से आगे वाली कोई अपूर्व शाखा है, बी शब्द जिसके आगे लगा हुआ है ऐसी कोई शाखा है, उस शाखा को पकड़ करके आश्रित यही वो यदि तू विराजमान हो जाएगा, यदि सखी विशाखा के आश्रय को ग्रहण कर लेगा। और ऊपर से कह रहे हैं कि वृक्ष की कोई शाखा है उस शाखा को पकड़ करके थोड़ी देर ध्यान करेगा और यहां बैठा रहेगा, चुपचाप बैठे रहना, हंसी पास में आए जब वो तेरे ऊपर विश्वस्त हो जाए तो वो हंसी तुझे मिल जाएगी, और यदि हंसी को पकड़ने का प्रयत्न करेगा तो हंसी दूर दूर भागेगी।
और यदि तू चुप होकर के बैठेगा तो जैसे पक्षी को पकड़ने वाला भी बिल्कुल चुपचाप होकर के निश्चल होकर के छिप करके बैठ जाता है, और पक्षी जब पास में आता है तो उसको पट पकड़ लेता है। तो हंसी को पकड़ने का तरीका ये है कि ज्यादा उछल कूद करेगा तो हंसी पकड़ने में नहीं आएगी, और किसी शाखा को पकड़ करके चुपचाप बैठ जाएगा, हंसी पास आएगी, फिर उस हंसी को अपने वशीभूत कर लेना। तो ये तो एक उपाय है, और उसी का उपाय बताया कि भैया मैं हूं उज्ज्वल ज्योतिर्विद, माने श्रृंगार उज्ज्वल रस रूपी जो ज्योति है उसको जानने वाला, श्रृंगार रस के तात्पर्य को जानने वाला, ऐसी मेरा मेरे द्वारा यह आज्ञा प्रदान की जा रही है कि शाखाम काचित बी वर्णाग्राम, बी शब्द, बी जो शब्द है वो बी शब्द जिसके आगे लग रहा है, ऐसी शाखा को माने विशाखा को आश्रित्य यदि तू आश्रय ग्रहण करेगा तो अत्यतिष्ठता यहां बैठेगा तो तुझे श्री राधिका प्राप्त हो जाएंगी। तत् पक्षपात वैचित्री पश्यता लक्षितं त्वया, श्री विशाखा की और हंसिनी की तेरे प्रति जो पक्षपात वैचित्री है वो हंसी है, तो हंसी कैसी होगी, हंसी पंख चलाते हुए आएगी, ऐसी तत् पक्षपात वैचित्री श्री राधिका भी तेरे प्रति पक्षपात रखती हैं और विशाखा भी तेरे प्रति पक्षपात रखती है। श्री राधिका यूथ में राधिका है प्रधान, प्रधाना होने के बाद में प्रधाना तो हो गई यूथेश्वरी, अब जो सखीगण हैं वे सखीगण तीन प्रकार की, एक सखी है प्रखरा, दूसरी है समा और तीसरी है लग्नी। एक यूथ की संरचना बता रहे हैं, यूथ में हेड हो गई, वे हो गई प्रधाना यूथेश्वरी, अब यूथेश्वरी के अंतर्गत जो सखी है वे सखी तीन प्रकार की, प्रधान प्रखरा समा लग्नी, इनमें श्री ललता वे हैं प्रखरा, श्री विशाखा वे हैं समा, और श्री वृंदा वे हैं लग्नी। राधिका के युद्ध में प्रखरा समा लग्नी ये तीन प्रकार की सखी, इनमें समा जो है श्री विशाखा उनका यदि आश्रय ग्रहण कर लेगा तो जल्दी कृष्ण की प्राप्ति, राधिका की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। प्रखरा का आश्रय ग्रहण करेगा तो ललता जी को मनाना थोड़ा कठिन है, ललता जी जरा जबरदस्ती भिड़ जाने वाली है, श्याम सुंदर को आगे नहीं बढ़ने देंगी, परंतु विशाखा श्याम सुंदर का पक्षपात रखने वाली है इसलिए जल्दी से श्याम सुंदर को मिला देती है। ललता भी चाहती तो मिला रही है, परंतु ललता जरा प्रखर बोलने वाली है, कठोर बोलने वाली है, ऐसा कठोर बोल करके उनको संभालना थोड़ा कठिन होता है। उनको संभालने के लिए श्याम सुंदर को कहना पड़ता है कि नमो देवी ललताये चामुंडाये नमो नमः, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं ललता चामुंडा को मनाने के लिए, परंतु विशाखा जो है वे जल्दी से मान जाती है। दान के कौमुदी में श्री श्याम सुंदर इसी तरह से ललता जी को मनाते हैं, ये श्याम सुंदर के वचन है। दान के लिए में जब ललता जी कहती है कि मैं जब तक खड़ी हूं देखे हमसे कौन चुनौती देती है, देखे किसकी माँ ने धोसा खाया है, किसकी हिम्मत है जो हमसे कर वसूल कर जाए, एक छदाम नहीं देंगे हम। ललता जी अटक गई, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं ललता तो प्रखर हो रही है अब क्या करें। उस समय श्री श्याम सुंदर मन में विचार करते हैं कोई सखी आकर के, उस समय श्री विशाखा जी ही श्री श्याम सुंदर के कान में धीरे से कहती है कि ललता अत्यंत हक कर रही है, इस ललता को थोड़ा सा आप प्रणाम कर लो, ललता को अनुकूल कर लो तो श्री राधिका के साथ में आपकी क्या वार्तालाप होगी, उस वार्तालाप को हम श्रवण कर सकेंगे। विशाखा के इस सलाह को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर ललता जी के पास में आते हैं और ललता जी को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि नमो देव्यै ललतायै चामुंडायै नमो नमः, बोले हे देवी चामुंडा आप जरासी शांत हो जाओ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं प्रिया से कुछ बात करना चाहता हूं।
ऐसे जिस समय कह रहे हैं उस समय श्री ललिता जी मन ही मन में विचार करती है कि अच्छा श्याम सुंदर लो यहां शांत हो गए, मेरे प्रणत हो गए, अब मैं थोड़ी सी शिथिल हो जाती हूं। जब ललिता एक तरफ शिथिल हो जाती है तब श्री श्याम सुंदर प्रिया के साथ में उस समय वार्तालाप करते हुए विराजमान है। श्री किशोरी जी कहती है बोले श्याम सुंदर तुम त्रिभंग ललित हो, अरे चरण कटी ग्रीवा तीन जगह से टेढ़े, अरे त्रिभंग ललित हमारे सामने से हट जाओ। श्री श्याम सुंदर भी कह रहे हैं बोले प्रिय हम त्रिभंग ललता हैं, आप तो अष्टावक्रा हो, आपको प्रणाम, हम तो तीन जगह से टेढ़े, आप आठ जगह से टेढ़ी होकर के विराजमान। वाच कचे भूवि दृष्टौ स्मिते प्रयाणे अवगुंठे च इत्यष्टसो वक्रा अष्टावक्रा एतां वन्दे, आप तो हम तो त्रिभंग ललिती हैं, आप तो अष्टावक्रा होकर के विराजमान हैं, आपके हम वंदना करते हुए। वाची मन वाणी, कचे मन केश, भूवि मन भौंय, दृष्टौ मन कटाक्ष, स्मित मन मुस्कान, प्रयाण मन गति, और अवगुंठ मन घूंघट, और चके चकार के द्वारा मन की बामता, ऐसे आठ जगह से टेढ़ी होकर के विराजमान हो। हे अष्टावक्रा आपको प्रणाम है, हम तो त्रिवक्री हैं, तुम तो अष्टावक्रा हो। ऐसे श्री प्रियालाल उन दोनों की परस्पर परम मधुर जो बात वार्तालाप है, दान के कौमुदी का श्लोक है, दान के कौमुदी तो वो अपूर्व रूप से विराजमान। तो श्री प्रियालाल की ये बात, तो यहां पर श्री मधुमंगल कह रहे हैं कि बीज जिस शाखा के आगे लगा हुआ है ऐसी शाखा का आश्रय ग्रहण करके, माने विशाखा का आश्रय ग्रहण करके जब तुम विराजमान होगे तो तुमको वो हंसी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तत्पक्षपात वैचित्रिम, वो जो विशाखा है वो तुम्हारे प्रति पक्षपात रखने वाली है, उसकी वैचित्रिम पश्यता, उसकी वैचित्र को देखते हुए अलक्षितम त्वया, अलक्षित रूप में ही विशाखा के पक्षपात के द्वारा सास्या लभ्या सुखे नहीं वो, वो श्री राधिका तुमको सुखपूर्वक प्राप्त हो जाएगी। हंसी वंशी हृतांतरा, आवश्यकता की ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वंशी से, वंशी निनाद से वो हंसी पहले ही उसका चित्त चुरा लिया गया है, वो राधिका तुमको वशीभूत हो जाएगी। हे मित्र, मैंने तुमको इतना उपदेश दिया, और शास्त्र ये कहते हैं कि गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र और राज इन्हें भेंट बिन जो मिले हो इन पूरन काज, छह जगह भेंट लेकर के जाना चाहिए, भेंट लेकर नहीं जाए तो कार्य पूरा नहीं होता है। ज्योतिषी के पास में जाओ, ज्योतिषी से पूछ रहे हो तो भेंट नहीं दोगे, तो मधुमंगल कह रहे हैं बोले भैया मेरी भेंट पे भेंट पूजा तो लाओ, मुझसे पूछा है तो भाई गुरु, गुरु जी के पास में अकेले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वैद्य वैद्य के पास में खाली हाथ नहीं जाया जाता है, डॉक्टर को फीस तो देनी पड़ेगी, देनी ही चाहिए वैद्य को कुछ ना कुछ, गुरु वैद्य और ज्योतिषी, ज्योतिषी के पास में भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है, देव देव मंदिर में भी खाली हाथ नहीं जाया जाएगा, कुछ ना कुछ भेंट करनी चाहिए देवता के आगे, मित्र मित्र के घर में भी कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, और राज दरबार में भी भेंट लेकर के जाना चाहिए। छह जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता है, और मित्र तुमने तो मुझसे पूछा है, मैंने तुमको ज्योतिष के सारे उपाय बताए, केवल ज्योतिष की गणना करके ही नहीं बल्कि सारे उपाय भी बताए, तो जब उपाय बताए हैं तो अब मुझे पारितोषिक दो। उस समय श्री श्याम सुंदर उस तोता को जो अनार के दाने दे रहे थे उसी अनार के दानों को लेकर के मधुमंगल के भी हाथ में रख दिए। मधुमंगल ने आनंद से वो अनार के दाने खाए और कह रहे हैं बोल भैया तैने तो तोता और ब्राह्मण इन दोनों को ही बिल्कुल एक तराजू में तोल दिया, ये क्या किया, ये तोता और ब्राह्मण दोनों तैने हमको तोता ही समझ लिया क्या, तू भी तो द्विज है और ये तोता भी द्विज है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, पक्षी का भी दो बार में जन्म होता है, एक बार में
वो अंडा के रूप में और दोबारा अंडा फोड़ करके जन्म लेता है, तो पक्षी का नाम भी द्विज और ब्राह्मण का नाम भी द्विज। पहले जन्म ना जायते जंतु हो, पहले को उसका जन्म हुआ, केवल जंतु मात्र उत्पन्न हुआ, जब संस्कार हुआ तब वो संस्कार आप द्विज उच्चते, यज्ञोपवीत होने पर गायत्री मंत्र मिल जाने पर तब वो द्विज कहलाता है। तो भैया द्विज तो है ही है, तो द्विज है तो द्विज का भोजन तुझ द्विज को भी दे दिया क्या? ऐसे मधमंगल उनको आनंदित करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री मधमंगल और द्विज ये दोनों, वो तोता और श्री कृष्ण, तोता और मधमंगल दोनों को कृष्ण इस प्रकार अपने हाथ से संतर्पित करते हैं। ऐसे श्री प्रभु की अपूर्व लीला, श्याम सुंदर की अपूर्व लीला, ये परम रसमय लीला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल गोविंद, जय जय।